वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लासेस में हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन को हमने समझा था, जहां पर क्वेश्चन में दो वेरिएबल थे और किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव लेना था। तो उस कैलकुलेशन को हमने समझा था कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव लेना है, बस उसी वेरिएबल पर फोकस करना है, जो अदर वेरिएबल है उसको एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लास्ट क्लासेस में प्रैक्टिस कर चुके हैं, लेकिन आज की क्लासेस में हम बात करते हैं अब एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो आइए, क्वेश्चन इसके एग्जाम में किस तरीके से आपको आपके सामने आ सकते हैं, सबसे पहले डिमांड से ऐसे क्वेश्चन हम कर लेते हैं। प्रोड्यूसर के यहां से क्वेश्चन आता है और एक आपका क्वेश्चन जो है डिमांड में से आता है, तो बात करते हैं सबसे पहले डिमांड की। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अभी होगा बच्चे आपके पास में एमपीसी एंड एमपीएस, और आपके पास में ईओक्यू का क्वेश्चन आपको आपका करवा चुका हूं मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे टॉपिक। देखिए बच्चे, तो जो भी बच्चे आज नई क्लासेस में, फर्स्ट क्लासेस में है, उन सभी बच्चों को मैं पहले यही कहूंगा कि बच्चे आज की क्लासेस से पहले आप जाइए, पहले कैलकुलस की फर्स्ट क्लासेस स्टार्ट कीजिए, आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा, आप स्मूथली सब चीज समझ जाएंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप सीधा डायरेक्ट आज की क्लासेस में ज्वाइन करके समझने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आएंगे। तो आज की क्लासेस सीधा डायरेक्ट ले लेना आपके लिए वर्थ नहीं रहेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप क्लासेस वन से देखिएगा। हाँ, मेरा कैलकुलस चैप्टर जो है जल्दी से हम खत्म करेंगे, आप जल्दी से कुछ वीडियोज भी अगर आप देख लेंगे स्टार्टिंग के 5-7, तो आपको समझ में सब कुछ आने लगेगा। द डिमांड फंक्शन ऑफ द टू कॉमोडिटीज X1, दो कॉमोडिटी है बच्चे, दो कॉमोडिटी कुछ भी ले सकते हैं आप। अब दो कॉमोडिटी की बात है तो दो कॉमोडिटी आपस में कैसा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूँ दो कॉमोडिटी की, तो मैं कार एंड पेट्रोल की बात कर सकता हूँ, तो दो कॉमोडिटी है, लेकिन दोनों कॉमोडिटी आपस में कैसे रिलेट करते हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, इस बात को आप समझिए। अगर दो कॉमोडिटी की मैं बात कर रहा हूं तो फिर मैं यहां पर ये भी बात हो सकती है कि आपके पास में टी एंड कॉफी, ये भी दो कम्युनिटी है, बड़ी आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं, ये दोनों सब्स्टिट्यूट है। तो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस में कुछ इस तरीके क्वेश्चन आ जाएगा डिमांड फंक्शन में से, कि आपसे पूछेगा कि ये जो दो कम्युनिटीज का जो डिमांड फंक्शन हम आपको दे रहे हैं, आपको कमेंट करना है कि दोनों कम्युनिटीज आपस में कैसे रिलेट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो ही तरीके से रिलेशन होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री और एक सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बच्चे पहले इस चीज को आप समझ लीजिए, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉर एग्जांपल लेते हैं कार और पेट्रोल, तो एक इसके जो डिमांड फंक्शन को आप X1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके डिमांड को आप X2 से रिप्रेजेंट कर दीजिए, वो कोई भी अपना नाम होगा वो क्वेश्चन में मेंशन होगा। दो कॉमोडिटी कार एंड पेट्रोल, इसमें से अगर आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कार को आप एज ओरिजिनल गुड्स ट्रीट कर रहे हैं, आप कार को एक ओरिजिनल गुड्स आप ट्रीट कर रहे हैं, ओरिजिनल गुड्स, और पेट्रोल को एज इसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ले रहे हैं। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्यों है उस बात को मैं आपको बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल जो मैं इसकी डिमांड की बात कर रहा हूं, कार की डिमांड की बात कर रहे हैं और पेट्रोल की प्राइस की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिमांड जिस गुड्स का है, प्राइस किसी और गुड्स का है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस इंक्रीज होगी, मतलब पेट्रोल अगर महंगा हो जाएगा तो लोग ऑटोमेटिक कार की डिमांड कम करेंगे, और पेट्रोल की प्राइस डाउन होगी तो कार की डिमांड ज्यादा करेंगे। तो यहां पर देखिएगा, एक कॉमोडिटी है उसकी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसमें उसके खुद के प्राइस का कोई रोल नहीं है, उसका खुद का प्राइस कांस्टेंट है, दूसरी कॉमोडिटी के प्राइस में चेंज आ रहा है। तो अगर आपको दो कॉमोडिटी के बीच में रिलेशन को समझना है तो आपको यह समझना होगा कि एक कॉमोडिटी के डिमांड में क्या चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ अदर कॉमोडिटी, दूसरे कॉमोडिटी के प्राइस के रिस्पेक्ट में। तो अगर दूसरे कॉमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो रही है और आप एक दूसरी कॉमोडिटी है, एक मान लीजिए जो गुड्स है वो मेरी अपनी एक गुड्स है,
और एक दूसरी गुड्स, अगर उसकी प्राइस बढ़ी तो उसकी डिमांड लोग कम करने लग गए, उसकी प्राइस कम हुई तो लोग उसकी डिमांड ज्यादा करने लग गए, मतलब कि एक दूसरी कमोडिटी की प्राइस और मेरे गुड्स की डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशन देखने को मिल रहा है कि वो प्राइस इंक्रीज तो उसका डिमांड डिक्रीज, उसका प्राइस डिक्रीज तो उसका डिमांड इंक्रीज। तो दो कमोडिटी में से एक का प्राइस ले लिया और एक का डिमांड ले लिया और प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशन देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि दोनों गुड्स क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे। क्लियर है बच्चे, इन्वर्स रिलेशन में ये बात क्लियर हुई आपको? और इस केस में जब भी प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होता है तो उसका एडीवी नेगेटिव होता है, ये बात भी आप समझिएगा। क्लियर है बच्चे, कोई डाउट? अब बात करते हैं जी सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है। दो ही गुड्स है, आपको सबको पता है ये सारी बातें, लेकिन फिर भी चलिए जब टॉपिक है तो सब कुछ बता के चलना पड़ता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स लाइक टी एंड कॉफी की बात कर लेते हैं, टी कॉफी ये आपका एक ओरिजिनल गुड्स है। चलिए मैं टी की डिमांड की बात कर लेता हूं और प्राइस में दूसरे गुड्स का लेता हूं। हमेशा कभी भी रिलेशन समझने के लिए एक कम्युनिटी के डिमांड पर फोकस कर रहे हैं तो प्राइस दूसरे का लीजिए। अब देखिएगा क्या होगा कि कॉफी का प्राइस अगर बढ़ जाए तो लोग टी को प्रेफर करेंगे ज्यादा, क्योंकि कॉफी कंपेटिवली एक्सपेंसिव लगेगा लोगों को, तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी। और जब कॉफी, इसको है ना कॉम्पिटेटिव गुड्स भी कहते हैं, सब्स्टिट्यूट को कॉम्पिटेटिव गुड्स कहते हैं, लाइक पेप्सी एंड कोक एक दूसरे में कॉम्पिटिशन नहीं चलता रहता हमेशा इसमें, तो इसलिए इनको कॉम्पिटेटिव गुड्स भी बोलेंगे। तो एक मेरी गुड्स, एक मेरी जैसी दूसरी गुड्स, इनमें आपस में कॉम्पिटिशन रहेगा, तो ये कॉम्पिटेटिव गुड्स भी है सब्स्टिट्यूट भी है। सो कॉम्पिटेटिव या सब्स्टिट्यूट जो भी बोल दीजिए, दोनों ही सिनोनिम ही है इसका। तो प्राइस जब कॉफी का बढ़ेगा तो एज अ आप देखेंगे कंज्यूमर के लिए कॉफी एक्सपेंसिव लगेगा और टी कंफर्टेबल रहेगा, तो टी की तरफ शिफ्ट होंगे, टी के नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ेंगे, टी की डिमांड बढ़ जाएगी। और जब कॉफी की प्राइस डिक्रीज होगी तो कंपेटिवली कॉफी अब चीपर लगेगा लोगों को, तो लोग जो है कॉफी की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे और टी के नंबर ऑफ कंज्यूमर कम होंगे, टी की डिमांड कम होगी। कंज्यूमर का बिहेवियर होता है जो चीज सस्ता है वो वहां जाएगा। तो एक मेरी गुड्स, एक मेरी जैसी दूसरी गुड्स, अगर उसकी प्राइस बढ़ेगी तो लोग इसको प्रेफर करेंगे, इसकी डिमांड बढ़ेगी। अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम हुई तो लोग उसको प्रेफर करेंगे, इसकी डिमांड कम हुई। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूट और कॉम्पिटिटिव गुड्स में देखेंगे क्या कि पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है। तो जिसपे पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलेगा उसकी ईडीवी पॉजिटिव आती है। इसलिए आपने लास्ट कभी पढ़ाते लास्ट सिटी ऑफ डिमांड हमेशा नेगेटिव रिजल्ट आता है, क्यों? प्राइस एंड डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। थोड़ा इकोनॉमिक्स के टर्म्स है बच्चे, मैं ज्यादा इकोनॉमिक्स को एक्सपेंड नहीं करूंगा यहां पर, इतना करूंगा जितना आपके बिजनेस मैथ्स में रिक्वायरमेंट है। इस चीज को आप समझ पाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन ये है, अब तो मैं अपने इस पे सारे बेसिक कैलकुलेशन आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, आज की क्लास में बस प्रैक्टिस और थोड़े से हिंट देने की बात है। देखिएगा, द डिमांड फंक्शन फॉर अ टू कम्युनिटीज एक्स वन एंड एक्स टू आर गिवन बाय। अब ये दो डिमांड फंक्शन क्यों है भैया? जब दो कम्युनिटी है तो इसकी डिमांड और इसकी डिमांड दोनों सेम थोड़ी होगी, अपना अपना दोनों का डिमांड का लेवल होगा। इसलिए दो कम्युनिटी है, अब मुझे नहीं मालूम दो कम्युनिटी क्या क्या है और वो सब्स्टिट्यूट है कॉम्प्लीमेंट्री है मुझे नहीं मालूम, पर दो कम्युनिटीज है और दो कम्युनिटीज में इसका अपना एक डिमांड फंक्शन, इसका अपना एक डिमांड फंक्शन है, और एक के डिमांड फंक्शन को एक्स वन से रिप्रेजेंट करा हुआ है और दूसरे के डिमांड फंक्शन को एक्स टू से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसी तरीके से एक्स वन और एक्स टू, ये एक्स स्क्वायर नहीं है बच्चे, ये खुद टाइपिंग में थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ है तो गलतियां हो गई है। ये x2 है, ठीक है बच्चे, बाकी सब कुछ ठीक है। हाँ जी, तो ये आपके पास में क्या है x2, ठीक है। फाइंड द फोर पार्शियल मार्जिनल डिमांड फंक्शन। तो मार्जिनल डिमांड फंक्शन कैसे निकालेंगे देखिएगा, मार्जिनल डिमांड फंक्शन। अब आप बोलेंगे सर ये मार्जिनल डिमांड फंक्शन क्या होता है? तो मार्जिनल डिमांड फंक्शन का मतलब ये हुआ कि प्राइस में चेंज आने के रिस्पेक्ट में डिमांड में कितना चेंज आता है या डिमांड किस तरीके से बिहेव करता है, उसके अंदर चेंज रेट क्या रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल डिमांड फंक्शन या चेंज रेट ऑफ डिमांड फंक्शन, दोनों एक ही बात है। कि ऑब्वियसली कोई भी कम्युनिटी है प्राइस में चेंज आएगा तो जाहिर सी बात है इसकी डिमांड रिएक्ट करेगी, तो प्राइस के रिस्पेक्ट में डिमांड किस तरीके से रिएक्ट करती है
उसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल डिमांड फंक्शन। तो मार्जिन डिमांड फंक्शन आपके पास में तो हो गया, दो डिमांड फंक्शन है, किसका निकालना चाहोगे? तो पहले क्लियर कर लीजिए उस चीज को, मैं पहले एक्स वन पे फोकस कर लेता हूं। अब यहां पर आप देखेंगे मार्जिनल डिमांड फंक्शन, अगर मैं एक्स वन पे फोकस कर रहा हूं तो मैं लिख देता हूं मार्जिन डिमांड फंक्शन एक्स वन, मार्जिनल डिमांड फंक्शन एक्स वन विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि यहां पर तो दो वेरिएबल है पी वन एंड पी टू, तो पहले पी वन के रिस्पेक्ट कर लीजिए, डब्ल्यू आर टी विद रिस्पेक्ट टू पी वन। ठीक है बच्चे, चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो आपके पास में एक्स वन डिमांड फंक्शन है इक्वल्स टू 100 अपॉन, पहले क्वेश्चन सेम उतार देता हूं मैं, पी टू। अब डेरिवेटिव लेंगे किसका, डिमांड फंक्शन एक्स वन का विद रिस्पेक्ट टू आपने क्या बोल दिया पी वन के रिस्पेक्ट में। तो डेरिवेटिव किस तरीके से आएगा, डेरिवेटिव लेना आपको सिखाया मैंने कि वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। अब देखेंगे इसको लिख सकते हैं एक्स रेस टू पावर माइनस वन, तो डिफरेंशिएशन लेंगे तो माइनस एक्स और माइनस टू। जब डिफरेंशिएशन आप लेंगे तो ये देखिएगा माइनस टू, इसको माइनस आपके पास वन अपॉन एक्स रेस टू पावर टू हो जाएगा आपके पास में, मतलब कि पावर एक एड हो जाता है आपका, देख रहे हैं क्या होता है, आपका पावर एक एड हो जाता है। वन अपॉन एक्स में बेसिकली डिफरेंशिएशन क्या है, वन अपॉन एक्स रेस टू पावर टू, पावर एक एड हो जाता है और साइन चेंज हो जाता है, यही रिजल्ट रहा इसका। मैं डायरेक्ट चीज बता रहा हूं आपको ताकि आप टाइम वेस्ट ना करें। चलिए अगर आपके पास है वन अपॉन एक्स रेस टू पावर टू का डिफरेंशिएशन लेना हो तो क्या लिखोगे इसको, आप इसको लिखोगे एक्स रेस टू पावर माइनस टू, और डिफरेंशिएशन लेंगे तो माइनस टू एक्स रेस टू पावर माइनस थ्री, एंड सॉल्व करेंगे तो माइनस टू और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में एक्स रेस टू पावर थ्री। तो आप देख रहे हैं क्या हुआ, माइनस टू अपॉन एक्स रेस टू पावर थ्री। तो बेसिकली जब भी डिफरेंशिएशन आप कर लेते हैं रेसिप्रोकल वाले टर्म्स का, तो डायरेक्ट तरीका क्या है आपके पास में कि आपके पास में जो एक्स रेस टू पावर पावर है उससे तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, तो साइन चेंज हो जाता है, दिस वन प्लस है तो नेगेटिव, पहली चीज। दूसरा, जो पावर है उस पावर से मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर और नीचे वाले पावर में एक ऐड हो जाता है। तो सिंपल सी चीज है ये, मैं पहले सिखा चुका हूं, नहीं तो आपको पूरा लॉन्ग प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। वन अपॉन एक्स रेस टू पावर फोर, आपके पास में वन अपॉन एक्स रेस टू पावर फोर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस वन अपॉन एक्स रेस टू पावर फाइव, लेकिन ये फोर से मल्टीप्लाई होगा, दिस वन। क्लियर है बच्चे, समझे? तो ये इसका क्या रहेगा, डिफरेंशिएशन रहेगा। तो डायरेक्ट तरीका मैंने बता दिया अब आपको, अब इसका डिफरेंशिएशन लेंगे आप किसके रिस्पेक्ट में, पी वन के रिस्पेक्ट में। तो पी टू क्या है आपके लिए, पी टू एज अ कॉन्स्टेंट नंबर है, तो कॉन्स्टेंट नंबर कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो तो पी टू आपके पास में क्या कॉन्स्टेंट नंबर है, तो चलिए मैं इसको लिख सकता हूं वैसे 100, ये आप लिख दीजिए 1 अपॉन पी वन के रिस्पेक्ट में ना, और बाकी तो आपके पास में कॉन्स्टेंट नंबर है, जैसे कि 3x होता है तो 3 आपका एक कॉन्स्टेंट नंबर है, तो आपके पास में पी टू। डिफरेंशिएशन तो बस इसी का होगा ना, कॉन्स्टेंट नंबर का नहीं होता है बच्चे, दिस वन इसका होगा। तो क्या डिफरेंशिएशन होगा, साइन चेंज हो जाएगा, दिस वन, और पावर आपके पास में एक ऐड हो जाएगा, बिल्कुल सही, और बाकी आपके पास में पावर टू है तो टू से मल्टीप्लाई होगा अपॉन में ये इनटू 100 अपॉन पी टू, और ये टू था ना तो टू से मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट तरीका देख लीजिए, तो माइनस 200 अपॉन पी वन थ्री और पी टू, ये आपके पास में क्या आ गया, डिमांड फंक्शन आ गया। किसी बच्चे कोई डाउट तो प्लीज पूछेंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू पी वन हो गया। सिमिलर आप मार्जिन डिमांड फंक्शन एक्स फंक्शन कर सकते हैं, देखिएगा मार्जिनल डिमांड फंक्शन ऑफ एक्स वन विद रिस्पेक्ट टू, अब आपके पास में क्या है, पी टू के रिस्पेक्ट में निकालेंगे।
तो आपके पास में डिमांड फंक्शन किसका निकाल रहे हो आप, एक्स वन का विद रिस्पेक्ट टू पी टू, डेरिवेटिव ऑफ पी टू। तो किसका करेंगे आप, 100 तो आपके पास में ऐसा कॉन्स्टेंट नंबर है, पी वन तो ऐसा आपके पास में कॉन्स्टेंट नंबर रहेगा, कोई कुछ करना नहीं। पी टू तो पी टू के ऊपर पावर कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में है ना ये, पी टू के ऊपर पावर कुछ भी नहीं है, एक मान के चलिए पावर एक है, तो क्या जाएगा पावर माइनस दो। क्लियर है बच्चे? और माइनस दो पावर हो जाएगा, और यहां पर आप सॉरी पावर एक बढ़ जाएगा, पावर एक है ना पावर दो हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, और इनटू में आपके पास में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, एक से मल्टीप्लाई कर करके, क्योंकि इसके ऊपर एक ही था, तो माइनस वही वाली बात सॉल्व हो गया, दिस वन डायरेक्ट कर दिया ना। क्लियर है बच्चे, समझ गए? और इसी तरीके से अब सिमिलर अब आप करके दिखाइएगा x2 का मार्जिनल डिमांड फंक्शन ऑफ x2 विद रिस्पेक्ट टू p1 एंड विद रिस्पेक्ट टू p2। तो जैसे ये करा है सिमिलर आप वो कर सकते हैं, रिस्पेक्टिव फाइंड द फोर पार्शियल मार्जिनल डिमांड फंक्शन आल्सो डिटरमाइन द x1 एंड x2 आर द कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्पिटिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री है या कॉम्पिटिटिव है। तो चलिए इस चीज को भी करते हैं, स्पेस कम है लेकिन मैं दो पेज पे लेके जाऊंगा तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं एक ही पेज पे करने की कोशिश कर रहा हूं इसको। मेरे पास में एक एक्स टू है, डायरेक्ट कुछ स्टेप्स को रिमूव कर रहा हूं मैं, पहले डिमांड फंक्शन लिख देता हूं मैं, एक्स टू का पी वन एंड पी टू का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो मैं विद रिस्पेक्ट टू पी वन कर रहा हूं, ठीक है, तो डेरिवेटिव मैं ले रहा हूं एक्स टू का विद रिस्पेक्ट टू पी वन, ये बस लिखना जरूरी है। अब देखिएगा पी वन के रिस्पेक्ट में ले रहा हूं, बस पी वन पे ही काम होगा, तो ये पी वन आप 50 तो एज इट इज रहेगा, पी वन के ऊपर पावर क्या है, कुछ भी एक है तो पावर दो हो जाएगा, और पी टू तो एज अ कॉन्स्टेंट नंबर रहेगा, और यहां पर प्लस है तो ये आपका माइनस हो जाएगा, और पी वन के ऊपर पावर वन है तो वन से मल्टीप्लाई होगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता इसको, दिस वन। और इसी तरीके से अगर आप के पास में एक्स टू फंक्शन 50 अपॉन पी वन एक्स टू फंक्शन अगर आपके पास पे फिफ्टी अपॉन पी वन पी टू का स्क्वायर और आप एक्स टू का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पी टू, तो यह आपके पास में पहले तो प्लस है तो नेगेटिव हो जाएगा, P1 तो ऐसा कॉन्स्टेंट नंबर है, पावर P2 का एक बढ़ जाएगा। क्लियर है बच्चे? खैर P1 का पावर क्या है, डिमांड फंक्शन ऑफ X2, P1 के ऊपर कुछ ही पावर नहीं है, एक ऐड हो जाएगा, और यहां पर आप देखिएगा P2 के ऊपर पावर क्या है आपके पास में विद रिस्पेक्ट टू P2, तो P2 के ऊपर पावर दो है तो दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास में माइनस 100 अपॉन P1 एंड P2 की पावर 3, दिस वन। ये देखिएगा समझ में आया बच्चे क्या कराइए, तो सारी क्लासेस को देखेंगे तब, अब वो समय नहीं रहा कि आपको डिफरेंशिएशन कैसे लेते हैं ये बताया जाए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पे 5, 7, 8, 10 क्लासेस स्टार्टिंग में मैं दे रहा था। जब आप पूरी तरीके से ऊब गए थे कि सर आप समझ में आ गए कैलकुलेशन कैसे होगा, तो उसके बाद ही फिर मैंने अब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन स्टार्ट करा था, तो अब उसका कैलकुलेशन का कोई इशू नहीं आना चाहिए। और पार्शियल एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन को आज लाने से पहले मैंने लास्ट क्लासेस में इसके डेरिवेटिव सिखाए थे कि डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। अब बच्चे देखिएगा कभी भी रिलेशन जानना हो, कभी भी रिलेशन जानना हो तो समझिए, कहीं पे निगाहें, हेलो आ रही बच्चे आवाज, देखिए कभी भी अगर आपको डेरिवेटिव ये आज समझना है कि दो कॉमोडिटीज जो डिमांड फंक्शन है वो दोनों में रिलेशन क्या एस्टैब्लिश करती है, कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट मतलब कॉम्पिटेटिव गुड्स, तो एक काम करिए आप उसको चेक करें जिसमें कि जो डिमांड फंक्शन है प्राइस दूसरे का ले। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर बात करता हूं एक्स वन का, अब देखिएगा जरा एक्स वन में डेरिवेटिव देखें आप, जिसका डेरिवेटिव लिया आपने एक्स वन विद रिस्पेक्ट टू पी वन, इससे आपको चीजें क्लैरिटी नहीं आएंगी। यहां पर डेरिवेटिव किसका लिया आपने, डिमांड फंक्शन एक्स वन है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वन डिमांड है और
P1 क्या है, X1 मतलब एक कम्युनिटी का डिमांड है और P1 का मतलब है उसी कम्युनिटी की प्राइस है, X2 दूसरी डिमांड है, P2 मतलब हो गया उस दूसरी कम्युनिटी की ही प्राइस है। X1 पहले समझिए इस टर्म को क्या मतलब होता है, इस टर्म को समझना बहुत जरूरी है बच्चे। हाँ जी, X1 एंड P1 क्या मतलब है, जिस कम्युनिटी की डिमांड है उसी कम्युनिटी की प्राइस की बात हो रही है। X1 एंड P2 क्या मतलब है इसका, एक इस कम्युनिटी की डिमांड है, प्राइस दूसरी कम्युनिटी की है, ठीक है। X2 P1 डिमांड दूसरी कम्युनिटी का है, प्राइस किसी और का है। X2 P2 दूसरी कम्युनिटी की डिमांड और दूसरी कम्युनिटी की प्राइस की बात कर रहे हैं। क्लियर है बच्चे, ये बात समझ में आई आपको? तो चलिए बात करते हैं यहां पर। अब जरा एक चीज आप देखें, समझने की कोशिश भी करेंगे इसको आप। हाँ जी, पहले डिमांड है, फंक्शन दूसरे का है, तो आप देखिएगा क्या ये नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। नेगेटिव रिजल्ट इसलिए आ रहा है, तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि दूसरी कम्युनिटी की प्राइस के रिस्पेक्ट में जो डिमांड में चेंज आ रहा है, इनवर्स चेंज आ रहा है। प्राइस दूसरी कम्युनिटी का है, डिमांड पहली कम्युनिटी का है, तो अगर दूसरी कम्युनिटी के प्राइस के रिस्पेक्ट में डिमांड में चेंज है, वो नेगेटिव देखने पड़ रहा है। नेगेटिव रिलेशन बता रहा है, कैसे नेगेटिव, ये माइनस साइन दिख रहा है ना, ऐसा नेगेटिव रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। क्या इसका मतलब बच्चे, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, नहीं तो और भी प्रूफ हो जाएगा। ये तो खैर आपके पास में क्या है, ये आपके यहां से ही प्रूफ हो जाएगा आपके पास में कि डिमांड फंक्शन किसी और कम्युनिटी का है और प्राइस जो है किसी और कम्युनिटी का है, और प्राइस के रिस्पेक्ट में जो डिमांड में चेंज आ रहा है वो नेगेटिव चेंज आ रहा है। तो ये बातें साबित कर देता है जब भी आपके पास में, बस ये चीज ध्यान रखिएगा, डिमांड फंक्शन किसी और का ले लो, प्राइस किसी और का ले लो, और उसमें अगर नेगेटिव साइन आ गया तो आपको समझिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, अगर इसमें पॉजिटिव साइन आ गया तो इसका मतलब समझ जाइए दोनों सब्सिट्यूट और कॉम्पिटेटिव गुड्स है। क्लियर है, बहुत इजी है ये चीजें, कुछ डिफिकल्टीज वाली बात है नहीं। नेगेटिव साइन का मतलब बता रहा है ना कि भैया उसके प्राइस में चेंज करा, इस डिमांड में जो चेंज आया इनवर्स चेंज आया। माइनस साइन इसलिए लग रहा है कि दोनों में इनवर्स रिलेशन है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, इस बात को मैंने समझाया था आपको।